लोक आस्था और सूर्य उपासना का एक महापर्व छठ। और ठीक ठाक मैं पिपरा बघेल उत्तर पट्टी के छठ घाट पर मौजूद हूँ और यहाँ की ग्राम प्रधान है संगीता कुशवाहा। वास्तव में मतलब बनकटा ब्लॉक में अगर कोई गांव है तो वह पिपरा उत्तर पट्टी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं आपको यहाँ की सुंदरता को दिखाऊंगा, रमणीयता को दिखाऊंगा। पीछे मेरे पीछे आप देखेंगे तो साफ सफाई का अभी भी कार्य चल रहा है। और मेरे साथ ही समय इस गांव के बुद्धिजीवी वर्गों में शामिल माननीय राहुल कुशवाहा जी हैं, जो राजनीति में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। स्वागत है सर आपका पूर्वांचल परिवेश में। बहुत बहुत धन्यवाद। पंचायत में के लोगों की तरफ से भी, हमारे तरफ से भी इस पूर्वांचल परिवेश का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। ये किनके द्वारा कराया? देख रहे हैं कि हम एक ही कलर से सब पेंट हुआ है। ये हमारे गांव के माननीय प्रधान जी, उनके प्रतिनिधि प्रभंश कुशवाहा जी के माध्यम से, और ये सारी साफ सफाई का कार्य और पेंटिंग का कार्य प्रत्येक वर्ष वो प्रधान रहे या न रहे, फिर भी उनका लगातार ये सामाजिक तौर पे कार्य होता रहता है उनके द्वारा। और इसमें किसी का नाम नहीं लिखा गया है, लगभग देखने को नहीं, इधर से हम देख रहे हैं तो नहीं दिखाई पड़ रहा। नहीं, ये नाम लिखने से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, ये छठ पर्व सबका है। और नाम लिखकर ये किसी जाति पाति का भेदभाव जो दिखाना है उसको ये अच्छा नहीं लगता है, इसलिए सबको एक ही रंग में रंग दिया गया ताकि ये एकता का प्रतीक है। अच्छा, निजी नहीं? अब तब मुझे लग रहा है कि तब एक कोई व्यक्ति नहीं कहता हो कि ये हमारा है ये हमारा है। नहीं, ऐसा कोई नहीं कहता है, लेकिन सबको पता है कि हमारा कहाँ है, हमारा कहाँ है। इसमें नाम इस पर नहीं लिखा जाता? नहीं, नाम नहीं लिखा, पहले लिखा जाता है। यह अद्वितीय है अपने आप में कि छठ घाटों पर नाम, छठ पिंडों पर नाम नहीं लिखा जाता। हाँ, आपने देखा है और अन्य गांवों में कि नाम लिख दिया जाता? हाँ, नाम लिखा जाता है अन्य गांवों में, बट यहाँ था पहले, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अच्छा, यहीं से आप लोग व्यवस्था बदलना शुरू कर दिए हैं क्या, कि जाति पाति से थोड़ा अलग हट करके कार्य किया? बिल्कुल। और ये हमारे यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि जी, प्रधान जी का बहुत बड़ा इसमें योगदान है कि जो आज हमारा गांव इतने बड़े लेवल पे अपना नाम रोशन कर रहा है। आप देख रहे हैं कि हम ये बैठक के लिए बनाया गया है, बैठने के लिए बनाया गया है। पीछे लिखा हुआ है संगीता कुशवाहा ग्राम प्रधान पिपरा उत्तर पट्टी, और इसके ठीक बीच में एक, उधर जहाँ से रिकॉर्डिंग हो रहा है उधर भी एक बैठक है, और उसके ठीक बीच में एक पीपल का पेड़ लगा हुआ है, और इसके ठीक किनारे से शुरू हो रहा है यहाँ का अमृत सरोवर। आप उधर दिखाएंगे, देखिएगा वहाँ पर वह सेल्फी पॉइंट के लिए बना हुआ है। अब तक किसी अमृत सरोवर में हमने यह नहीं देखा है, यह ताज्जुब की बात नहीं लगती? ताज्जुब की बात नहीं है, बट अब सोच होना चाहिए लोगों के बीच और वहाँ के काम कराने वाले प्रतिनिधि के बीच, मन में ये सोच होना चाहिए कि हम एक नया, एक अलग मिसाल पेश करें। अच्छा, खेल का मैदान है क्या आपके यहाँ? हमारे यहाँ खेल के मैदान है, बट अभी उसका कार्य निर्माण होना है, देखिए कब से होता है। अन्य गांव में जब आप लोग जाते होंगे और ये सुविधाएं नहीं देखते होंगे, जर्जर हालात देखते होंगे, तो कैसा लगता होगा? उस समय तो बहुत बुरा लगता है कि देश एक ही है, प्रदेश एक ही है, सारे प्रधानों को बजट वैसे ही मिलता है, फिर उस गांव में ऐसा क्यों नहीं होता है, इस बात का तो कष्ट हमें रहता है। अच्छा, बनकटा ब्लॉक में कोई ऐसा दूसरा पोखरा है क्या, अमृत सरोवर है क्या? मेरे जानकारी में तो अभी तक कोई नहीं है। मेरे पंचायत में दो पोखरा ऐसा है, एक नहीं दो है। एक कहाँ है? एक पिपरा बघेल में है। नहीं मतलब इसको अगर पिपरा बघेल वाले को भी हम मतलब देखे हैं, लेकिन अगर दोनों में नंबरिंग किया जाए तो पहले नंबर पे आप पहले नंबर पे ही है, क्योंकि पहला इसका कार्य हुआ था, दोबारा उसमें कार्य लगाया गया था, तो जिसके वजह से वो अभी उस पर कार्य चल रहे हैं। अच्छा, पिपरा बघेल और उत्तर पट्टी क्या अंतर है? पिपरा बघेल और पिपरा उत्तर पट्टी, जैसे पिपरा उत्तर पहले एक ही बड़ा सा पंचायत हुआ करता था, अब उसमें दक्षिण पट्टी आ गया, बाबू पट्टी आ गया था, अब वो पंचायत अलग अलग हो गए हैं, तो उसी में का एक पार्ट पिपरा उत्तर पट्टी है, जो हमारे दृष्टिकोण से बनकटा ब्लॉक का सबसे दूसरा पंचायत है। अच्छा, प्रधान जी को कार्य करने के लिए प्रेरित कौन करता है?
क्या जनता हमेशा मतलब उनके कार्यों का निरीक्षण करती रहती है? नहीं, ऐसा नहीं है, जनता उनसे हमेशा अपेक्षा रखती है। वो शुरू से ही वो एक ताइक्वांडो खिलाड़ी भी रह चुके हैं। अच्छा। और उनके अंदर शुरू से ही काम करने के जो लालसा है, इच्छा है, शौक है, वो हमेशा से करते रहे। ये प्रतिनिधि नहीं थे तब भी करते थे, आज प्रतिनिधि हैं तब भी कर रहे हैं। इस जलाशय में पानी बहुत ज़्यादा है, देख रहे हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा पानी है। अगर कोई व्यक्ति डूबने लगे तब क्या होगा? रात को डूबने लगे? ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे 2400 घंटा इस पोखरे की देखरेख के लिए आदमी रखे गए हैं। रात में अगर मान लीजिए कोई डूबने लगे तो रात में भी ड्यूटी लगती है व्यक्ति का। एक है गांव के ही, उनको यहाँ पे रखा गया है जो इसकी देखरेख करते हैं। दिन में अलग है, रात में अलग है, और उसके तहत यहाँ पे एक बड़े सही मायने में कहा जाए एक छोटा सा नाव का भी व्यवस्था किया गया। वो सेल्फ खुद बनाया गया है, ये नहीं कि उसको कहीं से खरीद के लाया गया है।